शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से ई रिक्शा चालकों के लिए रूट निर्धारित किया गया है। साथ ही ई रिक्शा को लेकर कोडिंग की व्यवस्था की गई है। इस नई व्यवस्था से ई रिक्शा चालक नाराज होकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी ई रिक्शा चालक एकजुट होकर सड़क पर अपना ई रिक्शा लगाकर जमकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि पुरानी व्यवस्था हम लोगों के लिए चालू किया जाए। इसीलिए किए हैं सर कि हम लोग जो है ना गाड़ी चौक पे पैसेंजर खड़ा रहती है तो चौक पर लगा के पैसेंजर लेते तो आके आगे चाबी निकाल लेता, बोलता 70 मीटर दूर पे गाड़ी लगा। अरे पैसेंजर को जाके समझा ना 70 मीटर दूर पे खड़ा रहेगा। अभी मान लीजिए महागंज लेके जाते गाड़ी वहाँ 20 रुपया ले लेता, कोतवाली चौक लेके जाते वहाँ 35 रुपया ले लेता, स्टेशन घुसाते वहाँ 30 रुपया ले लेता, कोयला डिपो घुसाते वहाँ 30 रुपया ले लेता। सब हम ही लोग देंगे खाएंगे क्या? क्या चाहते हैं? सब सिस्टम को घसका के जैसे चल रहा था गाड़ी उसे चलना चाहिए। कोडिंग करने जाते हैं नवा नंबर लेने तो सुबह से गए, 2-3 दिन से हम लोग को भगा दिया है। और उसके बाद हम लोग इधर जैसे स्टेशन जाते हैं तो हम लोग को पकड़ लेता है, वहाँ जाने के बाद तेतारपुर थाना ले जाता है, बोलता है 2500 रुपया फाइन भरिए, उसके बाद गाड़ी चलाएंगे। आप बताइए कि हम लोग 2500 कहाँ से भरेंगे? पहले तो वहाँ जाते हैं लेने के लिए तो हमको देता नहीं है और वहाँ से भगा देता है। हम लोग किस रूट से चलेंगे? आप इधर जाइएगा तो इधर पकड़ता है। तिलका मांझी चलते हैं तो उसके बाद सरकार की कहानी है, DM साहब की कहानी है कि आप जो कि 3-1 किलोमीटर चल सकते हैं तो हमें मिर्जान से सवारी हमको सबर की मिल जाएगी तो हम लोग कैसे जाएंगे सर? उससे जाने के बाद भी अगर पकड़ लेती है गाड़ी तो फाइन करती है 2500-3000, जिसका जो मर्जी मन में होता है उतना फाइन वो लोग कर देते हैं। हर जगह फाइन, हर जगह के फाइन करती है। तो हम लोग से कहना है कि जो जहाँ से चले वहाँ से हम लोग को मतलब यानी कि काउंटिंग करके हम लोग को दे दिया जाए। हाँ, इसीलिए जाम हुई है। तंगबाही करके रोकता है, हर वक्त 500-600 रुपया लेके बर्बाद कर दिया है और टोटो चालक को एकदम बर्बाद करके पूरा समाज को बर्बाद कर दिया। हम लोग बेरोजगार आदमी हैं और नहीं कोड नंबर देता है तो हम लोग को क्या खाने के लिए मिलेगा? चोरी करेंगे? चुला जरे या न जरे से कोई फर्क होने वाला नहीं। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज में एक निजी क्लिनिक में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि फुल्ली डूमर निवासी प्रदीप कुमार सिंह डॉक्टर विजय कुमार के क्लिनिक में भर्ती हुआ था, जहां पर घुटने का ऑपरेशन कर पैर को ठीक किया जा रहा था। इसी दौरान मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। वहीं इस हंगामा की सूचना मिलते ही नजदीकी पुलिस क्लिनिक में आ और समझा बुझाकर परिजनों को शांत कराया। आज का ही नहीं है, हर बार सुनते हैं। तो बताए ना सर, 8 अगस्त 2012 को आपके कारण मेरा भाई गया है। अभी उसका क्या होगा वो बताइए आप। ऑपरेशन करिएगा तो वो कैसे करिएगा? अगला पैर का पोजीशन देख रहे हैं उसका, अभी कर क्या है? फिर दोबारा पैसा लगेगा ऑपरेशन करने का, कैसे होगा? प्लास्टर क्यों करे आप? इनको कॉल किए थाना प्रभारी रहता है इनका लोकल, अगर मेरा इससे पहले भी है ना आया था इसका लोकल सब करने के लिए सब है ना। शोध कर रहे हैं यहाँ पे, प्लास्टर करने के बाद हड्डी सेट नहीं होकर के और अपसेट हो गया। अच्छा, मतलब जहाँ पे रहना चाहिए उससे और ज्यादा, जो कि पहले जितना नहीं था उससे ज्यादा ही साइड हो गया। और दिखाने के बाद ये बोल रहे हैं क्या, हम गारंटी नहीं लिए। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हम कर देते हैं उसका सही, आप लोग छोड़िए कोई दिक्कत नहीं, हम सही कर। सुनिए एक बार बयान लेने की बात, हम उनसे भी बात कर लेंगे। उसके बाद जब आज आए तो वही बात बोल रहे हैं कि नहीं हम इसका गारंटी नहीं लेंगे, कोई डॉक्टर गारंटी नहीं लेता है कि मैं ठीक होगा कि नहीं होगा। तो हम बोले कौन सब गारंटी लेगा ठीक करने का? डॉक्टर साहब जब इसका इलाज कर रहे हैं तो गारंटी कौन लेगा? कितना पैसा लिया? करीब 25,000 ले लिए थे, दवाई उबाई अलग से लिए। उसके बाद जो है सर टोटल कितना खर्च हो गया था आपका? 25-26,000 रुपया अभी खर्चा हुआ है। बात कितने में हुआ है? बात हुई थी 30,000। 30,000 में कंप्लीट कर देंगे? हाँ, 30,000 में कंप्लीट कर, 30,000 दीजिएगा तो हम 15 दिन में इनको चला देंगे, और इतना दीजिएगा तो इसका 2.5-3 महीना बेड रेस्ट करना पड़ेगा, और इसको दिक्कत होगी पैर मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा, बाद में टाइम लग जाएगा इनको जाते। आप डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? अभी बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं बोले थे कि आप इनको प्लास्टर करवाइए। हुआ था पैर एक्सीडेंट से, हड्डी टूट गया
उसके बाद डॉक्टर बोला कि प्लास्टर भी करवा सकते हैं और स्टील भी लगा सकते हैं। स्टील लगाने में 15 दिन में हो सकता है और प्लास्टर करने में टाइम लग सकता है 2-2.5 महीना। तो 2 महीना हो गया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हुआ अभी? क्या हुआ? हड्डी जो है टेढ़ा, अभी हड्डी टेढ़ा हो गया है। जहाँ से जुड़ना था वहाँ ने जुड़ के दूसरे जख्म उखम भी हो गया क्या? जख्म तो पहले से था, हम आए थे 17 तारीख को यहाँ 17 दिन के बाद, तो बोले कि एक्सरे कर दीजिए, तो डॉक्टर बोला नहीं एक्सरे भी नहीं करेंगे। हड्डी गायब भाग गया उसके लिए झुटला गया। अब आप लोग क्या करेंगे? अब बहुत प्रेशर दे रहा है, उसका काम कर देंगे, सीधा कर देंगे हड्डी का। आप ऑपरेशन करके, ऑपरेशन पहले भी होना चाहिए था, अभी वही होगा। तो उसी से मैं आप सलाह दे रहा हूँ, ऑपरेशन ही करना नहीं हुआ नहीं कराया। अब किसी पेशेंट को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। ये आप बोले होंगे ना सर कि हम बोले हैं, कागज साइन हो गया है उसमें। तो आज कल से नहीं ठीक हो, ऑपरेशन बढ़िया उपाय है, बताया गया था, कागज पे लिखा हुआ भी है। देखिए इसमें उसके बावजूद उन्होंने नहीं कराया, बोला कि हम गरीब आदमी हैं, प्लास्टर कर दिए, भगवान का मर्जी होगा, सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। मतलब भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। अभी आके 10 लड़के ले आए, हल्ला कर रहे हैं कि नहीं आप गलत किए हैं। तो आप प्रेशर में उनका आप सहयोग करेंगे, इसका मतलब? हाँ। और क्या करें, आप लोग ले आए हल्ला करने के लिए? नहीं, हम लोग हल्ला करने के लिए हम तो पूछ रहे हैं। अरे उसका काम हो जाना चाहिए, हल्ला गुल्ला भी नहीं, बस इतनी बात है। क्या नाम हो सर आपका? डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार श्रेष्ठ। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। नौकरी देने के नाम पर रुपये लिए और उसके बाद रुपये नहीं लौटाए, जिसके बाद महिला सदमे में आ गई और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने ठगी करने वाले युवक के घर पर सबको रख कर जमकर हंगामा किया। मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र का है। मृतक के परिजन महिला का शव ठगी करने वाले युवक के कौवाकोली स्थित घर पर लेकर जा पहुंचे, जहां पर पैसे लौटाने का दबाव बनाया और जमकर हंगामा किया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कौवाकोली निवासी कथित डॉक्टर प्रकाश कुमार ने जनवितरण प्रणाली में डीलर की नौकरी देने के नाम पर 2,64,000 लिए थे, लेकिन ना तो नौकरी मिली ही ना उसे पैसा वापस मिला, जिसके बाद महिला सदमे में आ गई और उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने शुक्रवार को सब को ठगी करने वाले युवक के घर पर ले गए और वहां हंगामा किया। मृतका के परिजनों का कहना है कि प्रकाश कुमार एक दलाल प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वो इस तरह की ठगी कई लोगों के साथ कर चुका है। परिजनों ने आगे बताया कि ये लोग जन वितरण प्रणाली में डीलर की नौकरी देने के नाम पर पैसा लेते हैं, ना तो नौकरी दिलाया जाता है और ना ही पैसा वापस किया जाता है। कई बार प्रकाश कुमार से मृतक के परिजनों ने रुपये की मांग की, लेकिन बार बार टालमटोल करता रहा। इधर घटना के बाद प्रकाश मौके से फरार हो गया है। प्रकाश के परिजनों का कहना है कि जबरदस्ती मृतका के परिजन ने स्टाम्प पेपर पर 2,67,000 लिखवा लिए हैं, उन्होंने कर्ज के नाम पर 35,000 रुपये दिए थे। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर मधुसूदनपुर थाने की पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले को लेकर ऑन ड्यूटी पदाधिकारी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। 35,000 लेने लेके तो की कर लके आके बदमाश दमाश ला के ले लप्पर थप्पर दिलवा के आरो अथी वही अखिलेश आरो फेर के आरो स्टोम ला के ले ओकरा पर 2,47,000 के ओ साइन करबेल के हमर बेटा से हमर सयो से आइलिया एकरा कन की या कलके की हमर तोरा डिलरी हमर नौकरी लगा देबा, पैसा इतना इतना लगेगा, कितना लगेगा? 2.5 लाख लगेगा इसका। कौन बोला आपको? डीलर जो अखनी बने है ना। क्या नाम है? प्रकाश। प्रकाश नाम है। ये कौन है? मंडल है। अच्छा, इसी का नौकरी लगाता है? हाँ, इसके बोला कि नौकरी पैसा ले ले, इसका बोला कि नौकरी लगा दे। हाँ, ये आपका कौन लगता है?
मेरा बेटी है। आपका बेटी है? मेरा बेटी है, इस सास है। अच्छा, बोला कि हम लगा देंगे, 2.5 लाख रुपया दे दो। भागलपुर समाहरणालय परिसर के समीप मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले और वर्तमान समय में मणिपुर के इम्फाल में रहकर रोजगार करने वाला एक परिवार प्रधानमंत्री से अपने बच्चों की पढ़ाई और आवास की मांग को लेकर धरना पर बैठ गया। परिवार के मुखिया संजय जैन ने बताया, उसका परिवार मूल रूप से राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला है। बरसों पहले उसके पूर्वज रोजगार के सिलसिले में मणिपुर के इम्फाल गए थे और वहीं अपना रोजगार करने लगे, लेकिन हाल के दिनों में जब मणिपुर की स्थिति बदली तो उनका रोजगार छीन लिया गया और उन्हें मणिपुर से भगा दिया गया। उसके बाद अब वो पूरा परिवार राजस्थान लौटा तो पता चला कि उनके पैतृक जमीन और मकान भी उनके रिश्तेदारों ने बेच दिया है, जिसके बाद ये पूरा परिवार 2019 से देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर धरना देते हुए प्रधानमंत्री से अपने बच्चों की पढ़ाई और आवास की मांग कर रहे हैं। 2012 से मैं किराने का बिजनेस करता था। 2012 में वो क्षेत्र के कुछ लोग हमें काम करने से मना किया और मणिपुर में अगर एक बार मना कर देने के बाद दोबारा काम करना मुश्किल है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कारण हम पूरे अपसेट होने के बाद हमारी पत्नी ने नौकरी सर्विस की, मैंने सर्विस की, समाज में जाकर कहा जैन समाज में कि मेरे बच्चों को कहीं बाहर में पढ़ा दो, लेकिन वो लोग टाल मटोल करते रहे। लास्ट में हम लोगों ने तंग आके 2019 में वहाँ से रथ बना के, जहाँ 1 किलोमीटर पैदल चलना मुश्किल है, वहाँ पे हम लोगों ने 45 किलोमीटर तक पैदल चला रथ बना के। फिर 45 किलोमीटर जाने के बाद कुछ लोग फिर आए, फिर हम लोगों को धमकी उमकी दी कि आप लोगों को आगे जाओगे कुछ कर दिया जाएगा। तो हम लोग रथ छोड़ के, एक दुर्गा मंदिर थी उसके अंदर में रथ छोड़ के फिर हम लोग बाय रोड बाय बस के आए। कारण क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए हमको काम करने नहीं दिया गया 2012 से। कौन नहीं करने? कुछ क्षेत्र के लोग, मणिपुर इम्फाल, हम इम्फाल के रहने वाले हैं, पिछले 40 सालों से रह रहे हैं। तो वहाँ कहने धरना दिए थे, यहाँ से रहने वाला वहाँ धरना दिए, कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ धरना दिए अभी तक? अभी हम लोग दिल्ली में भी धरना दिए 2 बार। प्रधानमंत्री जी के पास में हमने आवेदन किया कि हमारे बच्चों को किसी तरह पढ़ाया जाए, हमें रहने के लिए घर आवास चाहिए, हमारा कोई अभी कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग 5 साल से कोरोना काल से हम लोग सड़क पे, रेलवे स्टेशन, तीर्थ क्षेत्र में रह रहे हैं। क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी अब मेरे बच्चों, दोनों बच्चों को, बेटी और बेटे को पढ़ाए और हमें एक रहने के लिए आवास दे, जिससे आपका जमीन सब में है। हमारा पूर्वजों का जमीन था, वो भी हमारे चचेरे भाई ने बेच दिया। अकेले कैसे बेच दिया और खरीदने वाले ने कैसे खरीदा? से मिलना चाहते हैं हम, सिर्फ प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। उनका तो क्या कीजिएगा? उनका तो नहीं होगा तो आगे क्या कीजिएगा? तो फिर लिखा है ना, वापस ऊपर चले जाएंगे। अहिंसा परमो धर्म, हम लोग को प्रधानमंत्री जी से ही पढ़ना है। क्योंकि हम लोग को वहाँ के कुछ क्षेत्र के लोगों के, हम लोग के मम्मी पापा को काम नहीं करने देते थे, बोलते थे कि आप लोग नहीं काम करेंगे, जो आप लोग सप्लाई देते हैं वो हम देंगे सप्लाई। प्रधानमंत्री जी से बोल, प्रधानमंत्री जी हम लोग को पढ़ाएंगे और रहने के लिए प्रधानमंत्री जी आवास देंगे। हम लोग पढ़ना चाहते हैं, हम लोग को प्रधानमंत्री से आवास चाहिए। सब धर्म को दिया तो हम लोग जैन धर्म से, हम लोग को भी चाहिए। 2019 से 5 साल हो गए पढ़ना और जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के द्वारा 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के विवाद का निशुल्क निपटारा किया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भागलपुर व्यवहार न्यायालय से CGM फिरोज अकमल ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ के माध्यम से खासकर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के ऋण धारकों को जागरूक करना और ऋण संबंधित विवाद राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाया जाएगा। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक राणा रणवीर सिंह ने लोगों से राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल होने की अपील की है। एक लाभ मिल रहा है और दूसरा, इतना ज्यादा जो केसेस पेंडिंग है, चाहे बैंक से रिलेटेड हो या क्रिमिनल कंपाउंडेबल से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मैटर हो, इसमें बहुत पेंडेंसी है।
लोग अगर जागरूक होंगे तो ज्यादा से ज्यादा केसों का निष्पादन होगा, उसी का उद्देश्य है कि आज रैली निकाला गया है जो विधिक जागरूकता है। और इसके अलावा और भी कई ऐसे प्रोग्राम हम लोग के चल रहे हैं जिसमें लोग जागरूक हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से, साथ ही साथ हम लोग भी बीच बीच में कैंप में जाते हैं, ठीक है, बैंक के माध्यम से बैंक में जो क्लाइंट जो कस्टमर आते हैं उनको भी बताते हैं कि भाई आप वादों का निपटारा आप करें। एक्चुअली है क्या कि लोग जो बैंक से, हमारे बैंक से और जो वित्तीय संस्थान है उससे जो ऋण लिए हुए हैं, तो किसी न किसी परिस्थिति बाद बहुत लोग ऋण नहीं चुका पाए हैं और उन पर जो है केस भी दायर किया है बैंक ऋण वसूली के लिए, क्योंकि ऋण वसूली तो एक सामान्य प्रक्रिया है जो बैंक करते रहती है, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए हम लोग जो है एक ऋण माफ़ी के स्कीम में कि कुछ उससे छूट का प्रावधान है, तो ये डालसा के तरफ से, नालसा के तरफ से ये आयोजन हर एक बार होता है लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत, और उसमें जो है एक छूट का जो प्रावधान है उसका लाभ उठाने के लिए हम लोग जो है ये जागरूकता का जो गाड़ी है ये जगह जगह गांव गांव में घूमवा रहे हैं कि लोग जागरूक हों, ऋण अपना चुका के उसमें जो छूट का प्रावधान है उसका लाभ लें और ऋण मुक्त होके फिर अच्छी ज़िंदगी जिए। ये बात कार्यों के लिए अत्यंत ही लाभदायक है जो है, और ये जागरूकता रथ का ये मूल उद्देश्य है कि लोग जाने, जन जन के लोग जो है इसके बारे में जाने और वो लोग आए जिनके ऋण जो NPS हो गए हैं बैंक के द्वारा, वो आके यहाँ पे 50% से कम मामले में समझौता कर सकते हैं, जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। और सबसे अच्छी खूबसूरती ये है इस फॉर्म की जो है कि उनको कोई कोर्ट फीस नहीं देना पड़ेगा, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, किसी प्रकार का जो है किसी से एडवोकेट की या किसी चीज़ की इसमें आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ की खूबसूरती है कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जा रहा है, लोग आके इसका लाभ उठाएं जो है। और इस जागरूकता का उद्देश्य यह है कि ये जन जन तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे, गली मोहल्ले में पहुँचे और लोग इस चीज़ को जाने, इस स्कीम के बारे में जाने और इस प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक लोग फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ साथ जो है जो क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेज हैं, लोगों के आपस में जो 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 केस हैं जो कोर्ट में हैं लंबित हैं, वो आके भी यहाँ पे बिना पैसे का फ्री में कॉस्ट में आपको यहाँ के निस्तारण कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अपराधियों के खिलाफ भागलपुर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। शहर के तिलकामांझी थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को 2 देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान तिलकामांझी थाना क्षेत्र के सच्चिदानंद नगर निवासी बैजू पासवान के पुत्र मिथुन कुमार के रूप में हुई है। मिथुन कुमार पहले भी शराब पीने और खरीद बिक्री के मामले में जेल जा चुका है। गिरफ्तार युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। ये मामला हथियार बरामदगी संबंधित है। इसमें जिस तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति मिथुन कुमार, पिता बैजू पासवान जो सच्चिदानंद का रहने वाला है, इसको हिरासत में लिया गया और इसके पास से 2 देसी कट्टा बरामद किया गया है। ये पूर्व में भी शराब के केस में बेचने और पीने के केस में जेल जा चुका है और इसके अन्य साथियों का हम लोग पता कर रहे हैं कि और इसके साथ अन्य साथी कौन कौन हैं और इसके जो ग्रुप है इसमें और कौन कौन अपराधी हैं उसके लिए हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और तकनीकी अनुसंधान भी कर रहे हैं कि और कौन कौन है, ताकि इस बाकियों को भी कानून के शिकंजे में लाया जाए और यह कार्रवाई। पूछताछ में इसने बताया ना कि इसका मोटिव क्या? जी बताया है, चूँकि इसका जो ग्रुप है ये सब शराब का तो जो पूर्व में जेल जा ही चुका है और इसके साथ साथ अन्य लोग भी रहते थे, इस सब तरफ के कार्य में रहते थे। यह चूँकि इनपुट हम लोग को अन्य किसी मामले से फर्दर पूछताछ में, जैसा कि पिछले कई बार होते आया है, हम लोगों ने फर्दर इंटीग्रेशन के माध्यम से इस व्यक्ति लड़के तक पहुंचे हैं और इसको हमने गिरफ्तारी भी कराया है और 2 हथियार बरामदगी हुई है। हाँ, शराब के केस में ये जेल जा चुका है और इसमें तिलकामांझी थाना अंतर्गत थाना अध्यक्ष और इनके पदाधिकारी तथा लालमटिया थाना अध्यक्ष ने भी जो है इसको ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए इसको गिरफ्तार किया है और बरामदगी की है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी आए दिन खुलेआम सड़क पर लोग शराब पीकर नशे में धुत होकर हंगामा करते नजर आते हैं। ताजा मामला भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के प्रबत्ती चौक का है, जहां नशे में धुत एक शराबी बीच सड़क पर पहले तो जमकर हंगामा किया, उसके बाद सड़क के बीचों बीच सो गया। हंगामा के कारण सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि घंटों बाद शराबी के परिजन मौके पर पहुंचे और युवक को अपने साथ घर ले गए। अब सवाल उठता है कि जब बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है तो फिर लोग शराब का सेवन कहां से कर रहे हैं? देखिए, सरकार तो शराबबंदी किया है लेकिन शराबबंदी तो कहीं दिख नहीं रहा है। मेरे वार्ड का ये हाल है, हम लोग तो इन पे जो है काफ़ी प्रयास किए कि अंकुश लगे, लेकिन कुछ हमको लगता है कि प्रशासन का भी जो है कुछ गड़बड़ी रहने के कारण जो है इस तरह जो है
शराब वगैरह पी के लोग रास्ते में गिरते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को भागलपुर क्षेत्र का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा, इसके लिए तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। वहीं उन्होंने भागलपुर के सभी भाजपा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को लगन से पार्टी के प्रति जुड़ने की बात कही। वहीं भागलपुर इकाई के जिला अध्यक्ष संतोष साह ने बताया कि भागलपुर स्टेशन से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन 4 मार्च को रवाना हो रही है, जो 4:30 बजे यहां से प्रस्थान करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस ट्रेन में 1334 लोग श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, भागलपुर जिला इकाई के जिला अध्यक्ष संतोष साह के अलावे कई पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से जो सपना उन्होंने देखा है 2047 में विकसित भारत का, उनको फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार कैसे बने, पूरी तन्मयता के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ पर लगे हुए हैं। आज मैं तो बिहपुर विधानसभा का विधायक हूँ, लेकिन प्रांत के निर्देश के अनुसार अलग से भी चिंता हमको भागलपुर विधानसभा का करना है। सत्र समाप्त होने के बाद तुरंत मैं अपने अध्यक्ष संतोष जी से बात किया कि हम अपने भागलपुर विधानसभा के चारों मंडल अध्यक्ष और महामंत्री और योगेश जी हैं, सारे लोग जो आलोक जी हैं, दिलीप निराला जी हैं, लाभार्थी के हैं, प्रमुख हैं, सभी कोई के साथ हम आज यहाँ बैठक किए और एक अभियान के तहत रात दिन हम लोग प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है उस काम को लेकर हम उनके बीच जाएंगे। आस्था स्पेशल ट्रेन जो 4 मार्च को हम सबों को लेकर अयोध्या जाएगी, और वह ट्रेन जो है यहाँ से 4:40 में इस ट्रेन का टाइमिंग है, और 2 बजे ही हम लोग स्टेशन परिसर में उपस्थित होंगे, क्योंकि उस दिन रेलवे के अधिकारी और सब लोग रहेंगे और सबों को जो टिकट जो है एक बोर्डिंग पास के रूप में मिलना है, और फिर उन लोगों का भी सम्मान वहां पर होगा और एक कार्यक्रम का स्वरूप रहेगा। उस कार्यक्रम के बाद सभी लोग ट्रेन पर विराजमान होकर और अपने भव्य अदिव्य मंदिर रामलला के दर्शन, जो हमारे वर्षों से जो हम लोगों की ये थी इंतज़ार था, वो समाप्त होने को है। और भागलपुरवासी और हम लोग लंबे समय से प्रतीक्षारत भी थे कि हम लोगों को ट्रेन मिले और हम लोग जाएं, यह सुखद क्षण आया है। पीरपैंती प्रखंड के मोहनपुर मधुबन पंचायत के मुस्तफापुर में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर पंचायत के सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर स्थानीय जनप्रतिनिधि और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान नारेबाजी कर रहे लोगों का कहना है कि चुनाव के समय में जनप्रतिनिधि बहला फुसला कर हम लोगों से वोट ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद देखने तक नहीं आते। उन्होंने स्थानीय विधायक को पहचानने से भी इनकार कर दिया, कहा कि आज तक विधायक को हमने नहीं देखा है, चुनाव में सिर्फ आए थे और वादा किया था कि पंचायत में स्कूल, आंगनबाड़ी और स्थायी बूथ निर्माण जल्द ही कराया जाएगा, लेकिन ना ही पंचायत में सरकारी विद्यालय है ना ही आंगनबाड़ी केंद्र। पंचायत से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है जहां पढ़ने के लिए बच्चे आते जाते हैं, आने जाने में बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, पिछले 1 दशक से इस इलाके में ना तो सरकारी विद्यालय है ना ही स्वास्थ्य केंद्र, जिसके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान पंचायत के 2 दर्जन से अधिक महिला पुरुष प्रदर्शन में शामिल हुए। आज सड़क पे उतरे हुए थे, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? क्या स्कूल? स्कूल चाहिए आप लोगों को? आपकी क्या मांगे हैं? क्या दादी, क्या किस लिए आप रोड पे आए हुए हैं? अच्छा, क्या चाची आप लोग सड़क पे उतरे हुए थे, क्या कुछ? अच्छा, रहने का घर दिया गया है? क्या मांगे आपकी?
अपना भूमि नहीं है, अच्छा अपने ही लोगों को भूमि तक भी नहीं है, जो सरकार कॉलोनी कहाँ से देगी इंदिरावास, जब इनका भूमि नहीं है तो कहाँ से मिलेगा इन लोगों को, कुछ कितने आदमी को भूमि है। मांगे हैं कि यहाँ पे एक विद्यालय का निर्माण हो, समुदाय एक समुदाय आंगनबाड़ी के हमारे गाँव के बच्चे को पढ़ाई के लिए यहाँ से 2 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पाता, सूचना मिला हुआ था इसीलिए हम लोग आए हुए थे। मैं यहाँ दो पक्ष आपस में एक पैसा का लेन देन और एक लाश बॉडी को लेके झगड़ा कर रहे थे। कहाँ से भैया आप, कौन मधुसूदनपुर थाना ERB 8 से। सुल्तानगंज के कुशवाहा टोला गांव के कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक धर्मेंद्र प्रताप चौधरी एवं उसकी टीम के द्वारा जनवितरण प्रणाली दुकानदार जयप्रकाश कुशवाहा के दुकान पर आयुष्मान कार्ड योजना बनाने का कार्य युद्ध स्तर से किया जा रहा है। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की योजना एवं बिहार सरकार की पहल पर पूरे बिहार में गरीब परिवार जो राशन कार्ड धारी है उनको आयुष्मान कार्ड बनाकर 5 लाख रुपए की लागत से मुफ्त इलाज पूरे भारत में कहीं भी करवाया जा सकता है। इसके लिए आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना पूरे बिहार में जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों में कैंप लगाकर राशन धारियों को मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है। साथ ही आस्था केंद्र बालूघाट रोड के संचालक धर्मेंद्र प्रताप चौधरी एवं जनवितरण प्रणाली दुकानदार के पुत्र रंजीत कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा राशन कार्ड धारियों को आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है और जो लोग आयुष्मान कार्ड नहीं बना पाए हैं वो आस्था केंद्र बालूघाट रोड में आकर सालों भर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। राशन कार्ड धारियों कोई परेशानी होने पर मोबाइल नंबर 7227952207 पर संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों का कि आधार कार्ड चेंज करवाना है तब ना, फिर नंबर जुड़वाना है तब ना मिलेगा। हाँ तो लाभ मिलेगा क्या, बढ़िया है सरकार का? हाँ, बहुत अच्छा है, मिलना ही चाहिए, हम लोग गरीब आदमी है तो मिलना ही चाहिए। तो सरकार बढ़िया काम किया है? हाँ सर बढ़िया किया है। तो भारत बहुत बढ़ रहा है मोदी सरकार के तहत, जो 5 लाख का जो रोगियों के लिए ये सरकार दिया गया है, इसके तहत हमारे डीलरशिप जो हमारे पिताजी चलाते हैं श्री जयप्रकाश मंडल, उसी के डीलरशिप में यहाँ पे ये कार्य लगाया गया है जिसका एंड्रॉइड संख्या है 94-2016। जो नहीं भी अभी तक बनाया है वो भी आ रहे हैं, जो बाहर है उनको भी कॉल किया गया कि आप वहाँ भी बना सकते हैं। ये ऑल इंडिया है, कहीं भी बना सकते हैं, किसी भी सेंटर पर जाके बना सकते हैं। तत्काल अभी जो है ये पूरे भारत में जो जन वितरण प्रणाली विक्रेता का जो दुकान है वहाँ पे ये बन रहा है, उसके बाद फिर जो इस जिसका स्थान है वहाँ पे फिर हमेशा के लिए बनते रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। आज भर के लिए है मोदी सरकार के तहत जो आज बन रहा है ना आयुष्मान भारत कार्ड, और बिहार सरकार की पहल पे जितने किराना इतने राशन के दुकान हैं उसमें राशन कार्ड धारियों का स्पेशल कैंप का योजना चलाया गया है, जिसमें जितने भी राशन कार्ड वाले हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा, जिससे कि वो अपना इलाज 5 लाख तक पूरे देश में फ्री में करवा सकें। और ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार की बहुत अच्छी पहल है, लोगों को उनके घर के आसपास ही ये सुविधा आज मिलने जा रही है।